हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विंगेश, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस ब्लॉग में। तो अभी हम नौलखा मंदिर के पास आ गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं। मतलब मंदिर तो नहीं जाने देंगे, बातचीत हो गया है, तो अभी बाहर से आप लोगों को दिखा देते हैं पूरा वीडियो। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो चलते हैं वीडियो की ओर। इसके अंदर मतलब जाना है, लेकिन मंदिर के अंदर मतलब फोटो लेना माना है, इसलिए इधर आप लोगों को दिखा देते हैं। पटना का ये फेमस मंदिर है नौलखा। इधर बहुत बड़ा मंदिर है, मतलब बहुत जगह, 2 बीघा अथी 2 बीघा कहा, बहुत बीघा है, कम से कम 6-7 बीघा है पूरा मिलाकर ये मंदिर है छोटा बड़ा। वहां पे है चकमकारा, वहीं पे है। आप लोगों को मंदिर दिखाते हैं बाहर से ही, अंदर से तो नहीं है। मिलिट्री का ये है, मिलिट्री फोर्स। नौलखा मंदिर ही है। बड़ा सा करो ना। वही मंदिर है, उमाद कुंड है, इसी में धूप चलता है उमाद। नौलखा मंदिर यहाँ पे मतलब बहुत फेमस है जगह है। मैं इलेक्ट्रिक का यहाँ, सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं। फिर यहाँ पे घूमने में बहुत मजा है, दर्शन करके जाइएगा। यहाँ पे घूमने में बहुत मजा आता है, मतलब यहाँ पे मूर्ति इतना बहुत सुंदर, मतलब बहुत यहाँ पे साफ सफाई रहता है। इन लोगों का देख रेख कौन करने वाले, मिलिट्री करने वाले हैं, इंडियन आर्मी। इस जगह में बहुत सारा बगीचा है, बहुत किस्म किस्म के फूल पत्तियां लगा हुआ है। नौलखा मंदिर का गेट है,
यही है नौलखा मंदिर। अभी तो यहाँ से हम जा रहे हैं, वीडियो करने के लिए बोल रहा है। अभी तो मंदिर के नौलखा मंदिर के बाहर तो आ गए हैं, तो आर्मी से पूछे हैं कि ले सकते हैं फोटो, तो कहा है कि ले सकते हो। तो उधर से गए थे, यहाँ पे गेट लगा हुआ है इसलिए। वहाँ था नौलखा मंदिर। अभी तो यहाँ से जा रहे हैं, आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, मतलब पूजा कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत मरदान मतलब मिलता है यहाँ पे, आर्मी कैंप के बगल में ही है। अभी तो यहाँ से जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो उसके बाद।